दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिजली विभाग में 3,640 खाली पदों पर भर्ती की जा रही है। पोस्ट है इसमें एई AE, JE, JPM, JH ड्राइवर, JSC और इंजीनियर की। जी हाँ दोस्तों, और भी पोस्ट है जो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, BBTECH और भी योग्यता है जिनसे आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है, क्या सैलरी आपको मिलने वाली है, कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बिजली विभाग की यह भर्ती है। पोस्ट है इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर हेल्पर, ड्राइवर, जूनियर स्टेशन चेकर और जूनियर पावरमैन की। वहीं बात नंबर ऑफ वैकेंसीज की जाए तो सभी पोस्ट के लिए 3,640 वैकेंसीज है। सेली आप नोटिस से रीड कर सकते हो। वहीं बात क्वालिफिकेशन की जाए तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग यानी कि BBTECH अप्लाई कर सकते हैं। आयु की बात की जाए तो कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। जॉब लोकेशन कर्नाटका है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो आप नोटिफिकेशन से रीड कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है KPTCL.com। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप सिंपली आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 मार्च 2019 है। तो चलिए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो कि यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, जो कि हम डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पर कर्नाटका लैंग्वेज में, कन्नड़ लैंग्वेज में नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए मंगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप पूरी अपडेट इसकी चेक कर सकते हो। पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी भी दी गई है। जो फर्स्ट नंबर की पोस्ट है इसके लिए 40,080 से 98,030 पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। वहीं बात टोटल वैकेंसीज की जाए तो आप यहाँ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज की टोटल की जानकारी भी आपको इसी के सामने यहाँ पर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो सेकंड नंबर की पोस्ट है इसके लिए सैलरी 41,130 से 72,990 है। इसी तरह थर्ड नंबर पोस्ट के लिए सेम सैलरी है। फोर्थ नंबर के लिए 26,270 से 65,020 रुपये है। फाइव नंबर पोस्ट के लिए 26,270 से 65,020 है। इसी तरह आप सिक्स नंबर, सेवन, एट, नाइन, टेन नंबर तक आप यहां से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहां पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी की पूरी जानकारी यहां पर दी गई है, आप यहां से चेक कर सकते हो। तो टोटल की बात की जाए तो 3,640 यहां पर खाली पद है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती की जाएगी उसकी जानकारी भी हम आपको यहां पर डिटेल्स में देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो 6 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ से नोटिफिकेशन जारी इनके ऑफिशियल पोर्टल पर ही कर दिए जाएंगे और इन्हीं पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जैसे कि KPTCL.com और जो दूसरा नंबर का ये वेबसाइट का पोर्टल है BESCOM.org, जो थर्ड नंबर पर है HESCOM.CO.IN और फोर्थ नंबर पर है CSCMESO.org और फाइव नंबर पर है MESCO.IN और सिक्स नंबर पर है GESCOM.IN। जी हाँ दोस्तों, सभी पोर्टल के लिंक भी हम आपको डायरेक्टली देंगे। जैसे आप इन पोर्टल के लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इन्हीं से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अलग अलग नोटिफिकेशन आप इन्हीं पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये चीज़ की शॉर्ट नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और इस पेज पर पहुंचकर इस पेज के एंड में आप यहां पर देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहां पर ये इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी, जिसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। जी हां दोस्तों, सभी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए लिंक भी यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि KPTCL, BESCOM, SESCOM, HESCOM, GASCOM और MESCOM, सभी के लिए यहां पर लिंक दिए गए हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने यहां पर BESCOM के लिंक पर क्लिक किया तो यहां पर आप देख सकते हो इसका ऑफिशियल पोर्टल
ओपन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप सिंपली आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बेस्कॉम का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो गया है। इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो KPTCL अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर ये भी लिंक दिया गया है जिस पर ये नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। इसी पोर्टल से भी आप डायरेक्टली सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, नोटिफिकेशन भी आप सभी के इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, KPTCL का ये ऑफिशियल पोर्टल है, कर्नाटका स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का ये ऑफिशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल से आप सिंपली आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये थी इसकी नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी, और साथ साथ यहाँ पर आप इसका पोर्टल देख सकते हो जो कि ओपन हो रहा है, और साथ साथ यहाँ पर ये पूरी डिटेल्स हमने आपको इसी वीडियो में दिखाई। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।